अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो थोड़ा बहुत टसू रहता था अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से आ गया है। बस बस ये देखें दो रक्षे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टसू रहता था वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। ये प्यारे भी उनकी है पीमेट है। ठीक है जी गिनती कर लें आप। ठीक है जी पूरे हैं। हाँ जी चलो माशाल्लाह जी अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना मिस्त्री साहब ने दीवार जो है आधे तक जो है ना थपाई वगैरह जैसे मिसाला हो जाते हैं वो कर लिया है। इसकी जो है ना धार वगैरह ये बाद में बननी है। ये देखें पानी वगैरह अभी जो है ना यहाँ से निकल रहा है। बाहर की भी बननी है धारें वगैरह और अंदर के भी बननी है इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी। ऊपर वाली जो साइड है ना ये अक्सर क्लियर हो गई है। ये देखें यहाँ तक जो है ना ये फाइनल हो चुकी है। बाकी जो है ना आगे वो हो रहा है इंशाल्लाह। ये देखें हमारे साथ जो मिस्त्री साहब के साथ हेल्पर वगैरह भी लगे हुए हैं ताकि मिस्त्री साहब को आसानी हो सके। दूसरा जो है हमारा मिस्त्री साहब बाहर लगा हुआ है क्योंकि अंदर जो है ना एक दीवार बच गई थी ना तो दूसरा बाहर लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये भी मिस्त्री साहब लगा हुआ है। ये देखें इधर से जो है ना प्लास्टर इनका क्लियर हो गया है। अब जो है ना ये चपटी वगैरह लगा रहे हैं ताकि ये जो है ना ये भी थोड़ा बहुत बच गया है। इधर से इंशाल्लाह दीवार मुकम्मल हो जाएगी। इसके जो है ना अगली साइड पे यही खुद ये लगनी है फिर प्लास्टर लगना है इसको क्योंकि तो कल जो है ना ये तीन दीवारें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई थी। इसको जो है ना होल वगैरह है ये टाइम लेते हैं ये भी बन जाएंगे इंशाल्लाह मुकम्मल। बहुत प्यारे बहुत अच्छे लगेंगे। साथ ही है ना ये स्लेपें वगैरह भी रहती हैं ये भी इंशाल्लाह हो जाएगी। ये सामने वाली भी है और वो देखे दूसरी क्लास की वो जो है ना कुरान पाक बिठाने के लिए ये दूसरी क्लास की एक क्लास वहाँ पे कुरान पाक बिठाएगी एक जो है यहाँ पे बिठाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए उस सब फैमिलीज़ का जिन भाइयों ने जिन बहनों ने ये तावन फरमाया था ख़ास तौर पर हाजी खादिम हुसैन और मोहम्मद इकराम साहब एंड उनकी पूरी फैमिली हाजी खादिम हुसैन की पूरी फैमिली मोहम्मद इकराम साहब की जो है ना जो बहनें हैं उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तावन किया था। अल्लाह पाक सब की जो है ना रिज़्क़ के हलाल अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी कारी साहब जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कैसे हैं कारी साहब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। तकरीबन तीन चार साल से हम बहुत परेशान थे। मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे थे वो शक थे कि पेशाब कर देते तंगी होती इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं आपके तामन से। ये कारी साहब बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना कुरान पाक जो पढ़ने आते थे मस्जिद को जो है ना गंदा कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना ये दरसगाह मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो है ना चंद दिन के बाद जो है ना यहाँ पे मुकम्मल क्लास लगेगी अल्लाह पाक की मेहरबानी से। आप जो है ना जितना भी हो सके उस फैमिलीज़ के लिए डेली आप जो है ना पांच वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं आप जो है ना बच्चों से आप दुआ कराया करें इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक कबूल फरमाए करते रहें। ठीक है जी आप अपना काम करें इंशाल्लाह। ठीक है जजाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा काम हुआ है ये जो बड़ी दीवार है ये अंदर अंदर से मुकम्मल हुई है ऊपर ऊपर वाली साइड क्योंकि अंदर जो है ना एक ही मिस्त्री था नीचे जो है ना रह गया फिलहाल। ये देखें नीचे जो है ना रह गया है ऊपर ऊपर वाली साइड जो है ना मुकम्मल हो चुकी है। जो चौकाट है विंडोज़ और दरवाज़ों की जो है ना उसका भी अंदर बार जो धारियां वगैरह हैं वो ये देखें रह गया हैं वो भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे काम होता रहे मैं आपको साथ के साथ अपडेट देता आ रहा हूँ। और दूसरा जो हमारा मिस्त्री है
ये जो है ना यहाँ से शुरू हुआ था, दीवार को जो है ना प्लास्टर किया है, और ये जो चार दीवारी की बचा हुआ था ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है। ये देखें यहाँ तक ये हो गया मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का इंशाल्लाह रहमत है। अब जो है ना जो बाकी रहता है वो मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा काम था, दो मिस्त्री हमारे साथ जो चल रहे थे वो मैंने आपको मुकम्मल दिखाया है। अभी जो हमारा काम अभी इस वक्त का रहता है, जैसे कि ये स्लेपें मैंने आपको दिखाई हैं, कुरान मजीद जहाँ पे बिठाने हैं वो रहती हैं प्लास्टर के लिए, और होल वगैरह हैं वो रहते हैं। एक जो बड़ी दीवार है 54 फुट की, उसका जो है नीचे वाला हिस्सा रहता है। बाकी जो चौकाट हैं अंदर बाहर, उसका भी धारियाँ वगैरह, विंडोज़ वगैरह की धारियाँ वगैरह भी लगनी है। इसलिए हो जाएगा हमारा प्लास्टर का काम मुकम्मल। फिर जो है ना रहता है फर्श, फर्श का इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना इस वक्त की हमें जो ज़रूरत है, हमें हेल्प की ज़रूरत है, वो है छत की जो है ना पंखे जैसे हैं और बिजली की वायरिंग है मुकम्मल, वो हमें लाजम चाहिए। आप भाइयों को और बहनों को सबको सबसे जो है ना गुजारिश है कि हमारे साथ जो है ना जितना भी हो सके, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है इस दरसगाह के लिए, मस्जिद की दरसगाह के लिए, बच्चे जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे कारी साहब ने वीडियोस के अंदर भी बताया है कि बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं और बड़े भी पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नाज़िर भी पढ़ रहे हैं, कुरान पाक को देख कर भी पढ़ रहे हैं, और जो है ना ज़बानी भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मस्जिद के अंदर जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो वो जो है ना गंदगी वगैरह मस्जिद के अंदर कर देते हैं, तोड़ फोड़ जैसे कर देते हैं, इसलिए ये जो है ना बहुत बड़ी दरसगाह तैयार की है इन लोगों ने। तो जितना भी हो सके हमारे साथ जो है ना हेल्प करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह रहमत करेगा। हमारे जो है ना बिजली का काम है, और इसके अलावा पेंट का काम है, इसके अलावा जो है ना और भी बहुत से काम है, लेकिन फिलहाल ये अहम काम यही है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह रहमत करेगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए मोहम्मद इजाज़ को, अल्लाह हाफिज़।